सिवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर केस में जेल, पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के भांजे मोहम्मद यूसुफ हत्याकांड में भी जेल। ये प्रोफाइल है सिवान के शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी की। इन दो कांडों के आरोपी के बारे में इतना तो आप जान ही गए होंगे कि जिले में इसका क्या रसूख होगा, लेकिन अब भाजपा ने इसे अपना सियासी हथियार बना लिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सिवान का कुख्यात शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा में मंच पर मौजूद था। इसके लिए भाजपा ने एक फोटो भी पोस्ट किया है जिसमें कैफ उर्फ बंटी पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के पीछे मंच पर खड़ा नजर आ रहा है। भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है कि राजद का दृष्टिकोण और मूल तत्व अब भी वही है। राजद खुद को आपराधिक और विकास विरोधी बुरे तत्वों से कभी भी अलग नहीं कर सकता है। तेजस्वी शार्प शूटर के साथ राज्य का दौरा कर रहे हैं और अपराधियों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था में राजद का योगदान है। वही इसके बाद राजद ने आरोपों का खंडन किया है। पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा में कौन कौन घुस रहे हैं ये देखना प्रशासन का काम है। अब जन सैलाब है तो कोई भी मंच पर चढ़ जा रहा है, खुद से ये देखना कि वो अपराधी है या आम इंसान ये कैसे पता चलेगा। सवाल प्रशासन पर है कि वो क्यों इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा, भीड़ में असामाजिक तत्व कैसे घुस जा रहे हैं। लेकिन राजद के इस आरोप के बाद भाजपा ने तीन और तस्वीरों के साथ तेजस्वी यादव पर हमला बोला। इन तस्वीरों में शार्प शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी तेजस्वी यादव से मिलते हुए उन्हें बूके देते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें सिवान के सर्किट हाउस की बताई जा रही है। इस पोस्ट में भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने लिखा है कि राजद अपने को नए तेवर और कलेवर में होने का दावा करती है, लेकिन ये नए लेवल के साथ वही पुरानी शराब के बोतल जैसी है। बिहार में राजद को आपराधिक तत्वों का राजनीतिकरण करने का खास क्रेडिट जाता है। अपराधी चुपके से राजद के मंच पर नहीं चढ़ता, बल्कि बिल्कुल प्राइवेट में गलबहिया भी होती है। अब सवाल यही है कि जो तेजस्वी यादव सिवान में जाकर अपने ही दिवंगत और बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बनाते हैं, वही तेजस्वी यादव सिवान के उस शार्प शूटर से क्यों मिलते हैं जो खुद को शहाबुद्दीन की जगह खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि राजद की तरफ से भी जल्द ही इसे लेकर कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी।